हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है सुहेल खान और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MU के क्लास 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में और BHU, साथ ही साथ हम JMI के 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे 19th के एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट नाम का चैप्टर, यूनिट कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसी से रिलेटेड हम दो चार क्वेश्चन करेंगे और फिर इस सेशन को ख़त्म करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यूनिट, यूनिट जो नेम है इसका मीनिंग होता है कोई माना हुआ स्टैंडर्ड। जैसे एक फिक्स लेंथ को मान लिया गया है कि इसे 1 मीटर बोलेंगे, एक फिक्स वेट को मान लिया गया है कि ये 1 kg है, एक फिक्स टाइम इंटरवल को मान लिया गया है कि ये 1 सेकंड है। ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये इसे बोलते हैं यूनिट। जैसे आप कोई भी सवाल लगाते होंगे उसमें देखते होंगे कि लास्ट में आ जाता है, जैसे मान लीजिए आ गया मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, इसे एरिया आ गया किसी चीज़ का 5 मीटर स्क्वायर, और किसी चीज़ का लेंथ आ गया मान लीजिए 25 मीटर। तो ये जो 25 मीटर स्क्वायर या फिर किसी चीज़ की वेलोसिटी या स्पीड, अगर मान लीजिए आपको पता हो या दिया हो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो देखिए ये जो सेंटीमीटर पर सेकेंड है या फिर ये जो मीटर स्क्वायर है या मीटर जो है इसे बोलते हैं यूनिट। ये बंदा कैसा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फिक्स्ड लेंथ या फिर वेट या फिर जो भी चीज़ें जो मैंने बताया आपको उसको मान लिया जाता है और उसी के आधार पर इसका डिटर्मिनेशन किया जाता है। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे आ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई आप सवाल लगा रहे हो, उस सवाल में अगर बाय द वे आपसे पूछ दिया हो कि एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा, और नीचे ऑप्शन में मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बोथ, और चौथा ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। मान लीजिए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखिए मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों में से कौन सा एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो इसके हिसाब से ये आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, V/T से। तो V की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ T का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ये मिलकर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक और, जैसे मान लीजिए कोई किसी सवाल में पूछा था कि मोमेंटम बताइए कितना है। उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले में ऑप्शन में दिया हुआ है kg मीटर पर सेकेंड, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ, और चौथे में दिया हुआ है नन। तो चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, तो देखिए इसमें पहला जो आंसर है वो सही होगा, क्योंकि मोमेंटम पी बराबर होता है m × v। m का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और v का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके हिसाब से जो आंसर होगा ये होगा। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन बोले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कॉमन सेंस के क्वेश्चन बोलते हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम कोई फार्मूला वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम बेसिकली यूनिट के बेसिस पे हम बता देंगे कि इसमें आंसर कौन सा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।